अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हेलो यार, कार्तिक बोल रहा हूं। सलाका तुम? हाँ, मेरी शादी हो रही है कल और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। देखो सलाका, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। 100 बार बता चुका हूं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश, तो मुझे पिटवाओगी, तो मेरी टांगे तोड़वाओगी? तोड़वाओ, मैं भी देखता हूं। मैं ये झंझट हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ, क्या कहा उसने? तूने उसे ये नहीं बताया था कि तू ट्रेंडी से शादी कर रहा है? नहीं यार, पता नहीं कैसे पता लग गया उसे। अब वो कह रही है कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। कह रही थी मुझे शादी के मंडप तक ही नहीं पहुंचने देगी। अरे वो तुझे रोक कैसे सकती है यार? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका गला घोटूं। अगर मेरे पास एक गन होती ना तो मैं तो उसे गोली मार देता। अबे उसे मारेगा तो जेल चला जाएगा। अब मैं करूं क्या? कल मेरी शादी है। तू हमेशा किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहता है। तू मुझे बचा ले यार, प्लीज। देख, इस सलाका को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दे किसी तरह। बस मैं कोई जादू करूं जो उसे गायब कर सकता हूं? अफेयर करो तुम। और देख, मेरा एक दोस्त है, वो CID ऑफिसर है। अरे CID को बीच में क्यों ला रहा है? पुलिस केस बन जाएगा यार। केस कैसे बन जाएगा यार? वो एक दोस्त है, उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अलग मामला है, ये एक डोमेस्टिक मामला जैसा है। मेरा बीच में ना आना ही अच्छा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, अगर तुम लोग एक ठीक ठाक कंप्लेंट लिखवाओगे तो। हाँ बोल, क्या बात है? क्या, कहाँ पे? ओके बाय बाय। ले बस, कार्तिक के दोस्तों ने उसके लिए एक स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया। आखिरी पार्टी, बैचलर्स पार्टी। अरे यार, क्लब में दो वेटर है और दोनों के दोनों टून। मैं निकलता हूँ यार, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चल यार, कार्तिक से तो मिलते जा कम से कम। छोड़ यार कार्तिक बात को, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी दारू पी रही है लोग। चल। अरे यार, मैं निकलता हूँ। सुनो भाइयों, आज हमारे प्यारे दोस्त कार्तिक की जिंदगी का आखिरी दिन, हंसने का। कल इस बेचारे की शादी होने वाली है, कल तक तो ये बेचारा मारा जाएगा। इसलिए आज हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है। शादी का एक ऐसा तोहफा जिसे ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। देखेगा कार्तिक, लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, ऑफ। ये क्या चक्कर है यार? यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार,
ये क्या मजाक है यार, किसने बुलाया इसे? मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी होने नहीं दूंगी। मान लूंगी अपने आप को मैं, सच कुछ मान लूंगी अपने आप को मैं। अरे रोको इसे, कहीं अपने आप को मार ना दे। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ये फटाका कैसा बजाया? फटाका नहीं, गोली चली है, किसी ने फायर किया। लाइट ऑन करो, लाइट, लाइट ऑन करो। स्विच कहाँ, स्विच कहाँ, लाइट किसने ऑफ किया? लाइट ऑन करो। अरे स्विच कहाँ पर है, लाइट का स्विच कहाँ पर है? बेटा, लाइट का स्विच कहाँ? क्या क्या बात है साहब, स्विच कहाँ? यहाँ है, इधर सर है, इधर यहाँ पर, यहाँ यहाँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ? फायर किसने किया, गोली किसने चलाई? कार्तिक, कार्तिक कहाँ है? कहाँ है कार्तिक? अरे कार्तिक को छोड़ो, वो लड़की भी गायब है। वो लड़की कहाँ गई? अरे वो भी भाग गई कार्तिक के साथ। लड़की यहाँ है। के पास कौन खड़ा था? हाँ, यहाँ से कोई भागा तो नहीं? पीछे में देखो, यहाँ से कोई गया तो नहीं? हाँ, कोई यहाँ से भाग गया? नहीं सब, कोई नहीं गया। नहीं, क्या दरवाजा खुला है? यहाँ से कोई गया तो नहीं? नहीं सब, कोई नहीं गया सब। दरवाजा बंद करो जल्दी। नहीं सब, अच्छा भी साहब। बॉडी कहाँ है? सब बॉडी यहाँ है। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? सर मैं नहीं आ रहा था, ये मुझे यहाँ ले आया। सर अशोक ये मेरा दोस्त है। शादी किसकी है? सर इसके दोस्त की, कार्तिक की। सर यहाँ है वो। सर ये है कार्तिक, इसकी शादी है। सर इसका इस लड़की के साथ अफेयर था और ये लड़की इसे कह रही थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, और यहाँ अचानक पहुँच गई सर, यहाँ इस किचन डोर में से एक बड़ा सा केक लेके, सर ये वाला, और अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और एक गोली चलने की आवाज़ आई सर। मैं यहाँ यहाँ से लाइट्स ऑन की और थोड़ी देर के बाद देखा लड़की यहाँ मरी पड़ी है। किसने किसने मारा इसे, किसने मारा इसे, क्यों? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? नहीं। तुम यहीं थे ना जब खून हुआ? हाँ सर, मगर अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा दया, वो गन कहाँ है? गन मिली? वहां भी प्रॉब्लम, गन भी नहीं मिल रही। नहीं सर, कहाँ गई गन? तुम में से कोई बाहर तो नहीं गया ना? हाँ? कोई बाहर तो नहीं गया? क्यों? नहीं, मैंने यहां सबकी तलाशी ली, सबकी, मगर गन कहीं नहीं मिली। चलो चलो फिर से ढूंढो। अभिजीत सर, तुम किचन में जाके देखो। जाओ सुधाकर सर, वहां जाके देखो। कब से जानते हो लड़की? जी चार साल से, मगर सर हम लोग हाल ही में अलग हो गए थे। तुम अलग होना चाहते थे मगर वो अलग होना नहीं चाहती थी, है ना? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं थी, पर हाँ सर अचानक ये फोन करने लगी थी। अच्छा। नहीं सर, किचन में गन नहीं है। टॉयलेट्स में देखा? वहीं जा रहा था सर। तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? मैंने पूछा तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? नमस्ते जी साहब, कैसे हो? कैसे हो का मतलब? ठीक हो? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाके बॉडी चेक करो। वही करने तो आया हूं मैं, कोई तुम्हारे गले लगने थोड़ा आया हूं।
तुम में से किसे मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? हाँ, किसे किसे मालूम था? वो लड़की अपने आप यहाँ नहीं पहुंची? नो सर। क्या हुआ? चालक ने भी गन नहीं है सर। मिलेगी भी नहीं गन, मिलेगी भी नहीं बॉस। क्यों? क्योंकि मौत चाकू लगने से हुई है। क्या? अगर सर गोली चली है? देखो ये तो वही चाकू है जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाथ में? हाँ, ऐसे। और कह रही थी कि अपने आप को मार लूंगी। और मार लिया? फिर तो लाइट सी ऑफ हो गई ना। बस तभी मार लिया होगा इसने अपने आप को। मगर सर गोली चलने की आवाज आई है। हाँ सर, मुझे लगा कोई फटाका बजा होगा। दया, अगर गोली चली है तो फिर चाकू कैसे घुस गया बॉडी में? कहीं कोई और तो नहीं मर गया? किसी और को गोली तो नहीं लगी है ना? नहीं सर। सर ये तो सुसाइड है सर। सर लड़की ने खुद अपने आप को मार लिया है सर। सर तो हम लोगों को तो छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सोलंकी, तुम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और आप सब लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ। एक तो मेरी शादी से पहले ही सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से आप लोग मेरी फिंगरप्रिंट्स ले रहे। वो लाश देखी थी ना आपने, घुसा हुआ चाकू याद है? हाँ, लेकिन वो तो आत्महत्या थी। देखते हैं। हाँ हाँ, ध्यान रखिए सुधाकर, लाइट ऑन करो। आप इधर देखो, सामने देखो आप। तुम सब ने मिलके चलाया ये चक्कर। वो लाइट का ऑफ होना, वो फायर की आवाज, इन सब के ठीक तरह से जवाब नहीं मिले अभी तक। बोलो किसने बुलाया था उस लड़की को? मैंने बुलाया था सर। ओ, तुमने बुलाया था? क्यों बुलाया था लड़की को? सर वो इसने कहा था मुझे, इसने मुझे फंसाया है। इसने? नहीं सर, नहीं सर, वो अविनाश। तुमने? आइए आप, आइए आपके फ्रेंड्स। अच्छा दोस्त? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया। हाथ रखो यहाँ पे सर। सब प्लीज प्रिंट बंद निकालिए सर। तो तुम्हारा प्लान था ये? और कौन मिला हुआ है इसमें? कौन मिला हुआ है इसमें? सर इसने फोन नंबर दिया था मुझे, शलाका का। इसने दिया था सर। अरे यार मुझे क्यों फंसा रहा है, प्लान तो तुम्हारा ही था। शलाका का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? सर एक बार कार्तिक ने मुझे शलाका का नंबर देकर कहा कि तू उस शलाका को फोन कर दे कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। तब से मुझे उसका नंबर याद है सर। मैं तुम्हारा कर रहा था सर, इन सब ने कहा फोन कर, बुला शलाका को। तो आई मिलने के लिए? हाँ। कहाँ पे? मेरे घर पे। घर पे क्या हुआ है? सर वो मान गई सर, जोर जोर से हंसने लगी। अरे मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक एकदम सीरियस हो गई। कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। क्या? वाकई चाकू मालूंगी अपने आप को। चैन से छीने नहीं दूंगी उसे। ये क्या कह रही हूँ मेरी माँ? हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत करना। माय गॉड, देख रहे हो घाव? ये देखो, इसका चेस्ट का एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जब तुम्हें मालूम था कि वो अपने आप को चाकू मारने वाली है तो तुमने उसे पार्टी में बुलाया ही क्यों? हाँ? सर मैंने कहा था इन लोगों को, यार मत बुलाओ इस लड़की को, इसका खिसका हुआ है, पर ये लोग माने ही नहीं सर। हो गए सर, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, रिकॉर्ड भी बन गया है। ठीक है, सूरज और अविनाश को कस्टडी में ले लो। सर, दोनों ने एक लड़की को आत्महत्या करने में मदद की है। नहीं नहीं सर, अबेटमेंट इन कमिटिंग सुसाइड। बाकी सब लोग जा सकते हैं। सर मैंने सिर्फ एक फोन किया था, सिर्फ एक फोन किया सर, सिर्फ एक फोन किया। वो आईडिया भी उसी का था सर। सिर्फ एक फोन किया सर मैंने। सर प्लीज सर, सर प्लीज हमारी बात सुनो सर, प्लीज हमारी बात सुनो सर। वो चाकू का आईडी सर। मगर सर वो गोली चलने की आवाज आई कहाँ से? जरा एक्सरे दिखाओ। एसीपी प्रद्युमन, ये हाँ डॉक्टर साहब, उनके कुछ पता चला? आई एम सॉरी सर, लड़की की लाश को देखकर मुझे लगा था कि
लड़की चाकू लगने से मरी है, मगर सर इसकी बॉडी में से एक बुलेट मिली है सर। क्या? एक बुलेट मिली है बॉडी में से? क्या बात कर रहे हो यार? देखा, गोली वहां है सर। पहले इसे गोली लगी, बाद में इसका हाथ चाकू पर कस गया कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से, और जब ये नीचे गिरी सर तो सीधा चाकू पर गिरी। इसका मतलब है ये एक खून है, मगर पिस्टल तो किधर भी नहीं मिली यार। अच्छा बुलेट कौन सी है? .32 है सर। .32। उन सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सुना, उन दोनों को बुलाओ लॉकअप में से। यस सर। उसी जगह से बुलेट मिली है जहां पे एक चाकू लगा हुआ था। लड़की को जब बुलेट लगी और नीचे गिरी तो वो चाकू के ऊपर गिरी। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, चाकू ठीक उसी घाव में गया जहां बुलेट लगी हुई थी। सर अब तो ये खून का मामला हो गया है, ये सुसाइड नहीं है। सर सर ये कहां रख दिया था आपने हमें सर? देखो तुम दोनों, अब तक जो भी ड्रामा होना था हो गया, अब जितनी जल्दी हो सके सच बोल दो। मालूम है उस लड़की की बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? गोली अंदर कैसे चली गई? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, गोली चली कहां से? किसने चलाई गोली मालूम है ना तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। तुम जितने भी लोग वहां थे सब के सब गिरफ्तार किए जाएंगे। चलो सबको पकड़ के लाओ उनके घरों से। सब वही गए होंगे सर कार्तिक की शादी में। आप हमें छोड़ देते तो हम भी वहीं चले जाते। कार्तिक भी पकड़ा जाएगा, वो थोड़ी छूट जाएगा। शादी हो रही तो क्या हुआ? ये सब उसी की वजह से हुआ, खुद तो शादी करवा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए इतने मच्छर काट रहे लोग। घबराओ मत, सबको वहीं पे लाया जाएगा। चलो दिखाओ कार्तिक की शादी कहाँ हो रही है। चलो बाहर खड़े हो, चलो बाहर खड़े हो, निकलो। चलो आ जाओ। अब क्या हो गया सर? आपने एक बार हमें छोड़ दिया तो पकड़ने का क्या मतलब है? चुप, खड़े हो जाओ इधर। वो लड़की चाकू लगने से नहीं मरी है, समझे? तुम में से किसी ने उसे गोली मारी है, सब पकड़े जाएंगे। हाँ। बात क्या है? आप कौन? ये जी मैं, ये ट्रेंडी के पापा है। पापा ये CID से सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए। कार्तिक को भी? हाँ कार्तिक भी। अरे सर यहाँ अच्छी बड़ी शादी हो रही है, बीच में आप लोग दूल्हे को पकड़ने आ गए हैं, वो भी चला जाएगा तो शादी कैसे होगी? सुधाकर सर इन सब पे नजर रखो। अब कार्तिक को क्यों पकड़ने आए हैं? शायद उसका भी हाथ है इस खून में। कहाँ है वो? वो ऊपर है, तैयार हो रहा है। चलो दिखा, चलो चलो चलो। कार्तिक की शादी क्यों बर्बाद कर रहा है? तुम मुझे वहां नहीं ले जाते तो शायद ये खून नहीं होता। इसे भी पकड़ लो। अरे अरे मैंने क्या किया? दया ये बात गलत है, इसने मुझे फंसा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो शादी हो जाने के बाद कर लेना जो कुछ करना है। कार्तिक कहाँ है? ऊपर है सर। सर प्लीज आप यही रुकिए, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप? उस बेचारे को शौक लगेगा सर, मैं उसे प्यार से समझा लूंगा, और मेरी बेटी को पता लगेगा तो वो शौक से मर जाएगी सर। प्लीज आप यहीं रुकिए। कार्तिक, कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो। कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा। कार्तिक, कार्तिक दरवाजा खोलो। इस कमरे का कोई दूसरा दरवाजा भी है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? वो पीछे से बात तो नहीं किया?
सर पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। अंदर होगा तो ही खोलेगा ना, होगा ही नहीं तो बेचारा खोलेगा कहाँ से। दरवाजा तोड़ो। सर दरवाजा मत तोड़िए, हमें बनवा के देना पड़ेगा। कार्तिक एक प्लीज बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा। आप जरा बाहर आइए कार्तिक, बेटा कार्तिक प्लीज। इसने अपने आप को गोली मार ली है। मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे हाथों शलाका का खून हो गया है। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं कार्तिक।